नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। भारत में बढ़ रहा है निवेश, योजनाओं का लगातार हो रहा विस्तार, विशाखापट्टनम में बोले पीएम मोदी। केजरीवाल रंग बदलते हैं और फर्जीवाल हैं, राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर भड़की बीजेपी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल रंग बदलने वाले नेता हैं और चुनावी हिंदू हैं। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1000 से कम मामले, एक्टिव केस में मामूली गिरावट। मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने की जरूरत, छात्रों से बोले राजनाथ सिंह। महामहिम को लेकर ममता के मंत्री के बिगड़े बोल, बीजेपी ने बताया शर्मनाक। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लुक पर टिप्पणी करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ठग सुकेश चंद्रशेखर का सीएम केजरीवाल पर एक और लेटर बम, अब पॉलीग्राफ टेस्ट की दी चुनौती। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों से लेकर मुफ्त इलाज तक किए बड़े वादे। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने कई अहम ऐलान किए। पिता को जिंदा करने के लिए नवजात की बलि देने की कोशिश, मासूम का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार। अंधेरा छटने की शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे कमल खिलता दिख रहा है, तेलंगाना में बोले पीएम मोदी। बोरिस जॉनसन बोले, यूके कैबिनेट में पहले से ज्यादा भारतीय मूल के मंत्री। ऋषि सुनक का भी किया जिक्र, यूके में दक्षिण एशियाई मूल के प्रीमियर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जॉनसन ने कहा कि शानदार है और हमारी पार्टी भविष्य की ओर देखती है। बोरिस ने यह भी कहा कि चीन हमारे जीवन का विशाल तथ्य है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले, हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली क्रीम नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा, हिंदुत्व एक उचित विचारधारा, एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप सावरकर को पढ़ेंगे जो यहां महाराष्ट्र में पैदा हुए थे तो आप समझ जाएंगे। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 200 ठिकानों पर रेड, 96 गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग रैकेट का है आरोप। भारत विरोधी टिप्पणी के लिए माफी मांगे वीरदास, वरना जारी रहेगा विरोध, हिंदू संगठन का बयान। स्वतंत्र नहीं रहा चुनाव आयोग, बन गया बीजेपी की कठपुतली, चुनाव में देरी को लेकर बोली महबूबा मुफ्ती। दिल्ली पुलिस को मिले बड़े सफलता, 20 तोले सोने की चैन छीनकर भागने वाले लुटेरों को दबोचा, भेजा जेल। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी लंबे समय से मोटरसाइकिल पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, ये मोटरसाइकिल भी इन्होंने बड़ौद से चुराई थी। 10 साल से कांग्रेस ने सरदार पटेल के नाम पर कुछ किया है तो बताएं, बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि उनकी सरकार बनते ही वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल के नाम पर कर देंगे। हिमाचल में 112 और 105 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने भी डाला वोट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हंसराज चुराह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने यहाँ से यशवंत सिंह को मैदान में उतारा है। इस सीट से आपके एनके जरियाल भी मैदान में है। शादी के बाद लुटेरी निकली दुल्हन, पैसे गहने लेकर हुई फरार, पीड़ित दुल्हे ने पुलिस से लगाई गुहार। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु, जन से सरोकार।